हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल के बाद एक्सेस के अंदर यानी 365 की बात कर रहा हूं। आइए ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन है और इसे मैंने ओपन कर लिया है। देख सकते हैं ना, यहां पर आपको अगर कोई भी डेटाबेस बनाना, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल का जैसा नहीं है। एक्सेल में मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया था स्विच, क्या इसका यूज हम लोग यहां भी कर सकते हैं। तो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहां पर डेटाबेस 10 आ रहा है। मैं इसका नाम फिलहाल यही रहने देने वाला हूं, लेकिन आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा, तो आपको व्यू पे जाकर के डिजाइन व्यू पे इसे ले लेना है। यहां पर मैं ग्रेड के लिए बना, अब देखिए ग्रेड के लिए हम लोग भारी भरकम इफ फंक्शन लगाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा आपको दिक्कत होती है। कई बार इफ लगाना होता है, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब ये आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी हो सकती है, आप यहां पे स्टूडेंट आईडी कर दीजिएगा। ये हो गया स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी और यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद यहां पर डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट आपको रख लेना है। अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो उसमें शायद केवल टेक्स्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, जैसे हम यहां पे कर देते हैं कंप्यूटर, ये हो गया कंप्यूटर। फिर यहां पर आते हैं ये हो गया कंप्यूटर, और फिर यहां पे आते हैं इंग्लिश, यहां पे फिर हम कर देते हैं बायोलॉजी, फिर यहां कर देते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ये हो गया केमिस्ट्री। फिर क्या करते हैं, यहां पे चार सब्जेक्ट हो गए हैं हमारे पास, यहां पे कर देते हैं फिजिक्स, ठीक है, तो PHYSICS, तो ये हो गया फिजिक्स। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इन सब का जो भी नंबर देना है ना, जैसे कंप्यूटर में मार्क्स आएंगे तो इसको नंबर डेटा टाइप बनाइए, इसको भी क्या करना है आपको, नंबर डेटा टाइप ही बनाना है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में भी लिख सकते हैं बहुत इजीली। यहां पर आएंगे तो इसको भी क्या बनाना है, नंबर डेटा टाइप बनाना है, इसको भी हमें क्या करना है, नंबर डेटा टाइप ही बना देना है, और इसको भी हमें नंबर डेटा टाइप बना देना है। अब यहां पर आकर के टोटल कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको कई वीडियोज में यह बताया है कि टोटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमें मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो यहां पर नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर कैलकुलेटेड देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए लिब्रा ऑफिस की बात करें तो लिब्रा ऑफिस बेस्ड डेटाबेस में आपको डबल एटेड कोट्स लगाना होता है, लेकिन यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करिएगा, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश लिखना है, ENGLISH। तो ये हो गया इंग्लिश, और इंग्लिश लिख करके प्लस का निशान लगाइएगा, और फिर यहां पर आपको क्या करना है, अगला सब्जेक्ट लिखना है, जैसे केमिस्ट्री है तो यहाँ CHEMISTRY केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री लिखने के बाद प्लस का निशान फिर लगाइए, और फिर यहां पर आपको क्या करना है, अगला सब्जेक्ट एंटर कर देना है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तो हो गए, अब चौथे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि यहां पर आएगा बायोलॉजी, तो BIOLOGY हो गया बायोलॉजी, ठीक है, यानी कंप्यूटर इंग्लिश केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कंप्यूटर इंग्लिश केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बच गया फिजिक्स, तो यहां पे प्लस का निशान लगा करके कर दीजिएगा फिजिक्स, PHYSICS, ये हो गया फिजिक्स, और इसको क्लोज कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के साथ ही यहां व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें व्यू पे वापस, डिजाइन व्यू पे वापस जाना है। ग्रेड की बात कर रहे थे हम, तो ग्रेड के लिए हमें एवरेज भी कैलकुलेट करना होता है, तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज। बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज हमारा कहां छिपा होगा, टोटल में ही छिपा होगा। एक्सप्रेशन बिल्डर को दोबारा से करिएगा ओपन, और यहां पर क्या करना है आपको, टोटल में ही हमारा टैक्स, सॉरी टोटल के ही अंदर हमारा एवरेज छिपा होगा, कितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, बस आपका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे एवरेज कैलकुलेट होगा तो यहां पर ग्रेड भी कैलकुलेट करना होगा, तो ये ग्रेड कर दिया है, और ग्रेड करने के बाद ये सब कुछ आपको यहां बिल्कुल नहीं लिखना है, यहां पर तो आप हटा दीजिए, ग्रेड यहां पर आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, बस यहीं तक ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एवरेज भी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ग्रेड भी कैलकुलेट करना है, तो करना क्या पड़ेगा, यहां पर क्रिएट पे जाना पड़ेगा, क्वेरी डिजाइन पे जाना पड़ेगा, और फिर यहां से ये ग्रेड वाली टेबल यहां लानी पड़ेगी, और ये सारे फील्ड्स को हम यहां लेके आएंगे, ड्रैग करिएगा,
यहां से कैसे ड्रैग करना है, यहां पर डबल क्लिक करिएगा हेडिंग पर, तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे आप एक एक करके भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम एक साथ लेके आते हैं। तो यहां से अब लेके आऊंगा और यहां पर रख दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, टोटल भी एवरेज भी। अब हम यहां एक फील्ड बनाएंगे ग्रेड नाम से, किस नाम से, ग्रेड, GRADE, और यहां पर ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे लगाएंगे कॉलन। मैं थोड़ा सा इसे जूम व्यू पे लेता हूं ताकि आपको दिखाई ठीक से देने लगे ये। तो देखिए ये इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। और अब आपको यहां पर क्या यूज करना है, स्विच यूज करना है, ठीक है। लगाइए अब यहां पर स्विच, SWITCH, ठीक है। तो ये हो गया स्विच फंक्शन, और ब्रैकेट को कर लीजिए ओपन। अब बना लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, एवरेज, AVERAGE, क्योंकि एवरेज के ही बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, 85 कर दिया, और ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो एस ग्रेड आएगा। और फिर यहां पर आपको कॉमा दे करके सीधा क्या लिखना है, एवरेज ही लिखना है। यानी अब वो चक्कर खत्म कि आप आई इफ लिखते थे बार बार, वो चक्कर खत्म। तो यहां पे सीधा लिखिए एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे करिए 75 कॉमा, ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा। फिर यहां पर आप कॉमा देकर के लिखिए एवरेज, AVERAGE, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार कौन सा ग्रेड आएगा, इस बार जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड का नाम है, यहां पर पहले तो हम क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, यहां पे 65 और ग्रेड का नाम है बी, ठीक है। तो ये बी लिख दिया, फिर कॉमा लगाइए, फिर यहां एवरेज दे दीजिए, AVERAGE, ये एवरेज जैसे ही हो जाएगा तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या आएगा 55, ग्रेड क्या आएगा सी, ठीक है। देखिए यहां पर बार बार स्विच आपको नहीं लिखना पड़ रहा, जैसे इफ लिखना पड़ता था वैसे स्विच नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और यहां कॉमा लगाइए और फिर यहां पर ले लीजिए एवरेज, AVERAGE, ये हो गया एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहां पर जो ग्रेड आएगा उस ग्रेड का नाम है, पहले तो हम क्राइटेरिया दे देते हैं 50, और ग्रेड का नाम है डी ग्रेड, और फिर कॉमा लगा करके एक बार और एवरेज दीजिएगा, क्योंकि फेल वाला ग्रेड भी तो देना है हमें, एफ ग्रेड, एफ यानी फेल ग्रेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ ग्रेड यानी फेल ग्रेड। तो यहां पर एवरेज इज लेस देन 50 देन द स्टूडेंट विल फेल, एफ ए आई एल ई डी, यानी एफ ग्रेड दे देते हैं, खाली एफ लिख देते हैं डबल कॉमा में, ये हो जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज करके यहां से ओके कर लीजिएगा, ओके करने के साथ ही यहां रन पे क्लिक कीजिएगा, और रन पे क्लिक करने के साथ ही ये हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये काम कैसे कर रहा है, यहां पर इसे थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूं। यहां पर लिखते हैं नाम, ठीक है, जैसे यहां लिखते हैं रितेश, ठीक है, ये रितेश लिखा, एक नाम लिख दिया हमने, और आउट ऑफ 100 इनको मिले 66 कंप्यूटर में, 77 इंग्लिश में, 56 बायो में, 66 केमिस्ट्री में, 44 फिजिक्स में, टोटल इनका आया है कि नहीं आया है, और एवरेज आया है कि नहीं आया है, और ग्रेड आया है कि नहीं आया है, आप देख लीजिए। जो काम आप आई इफ लगा के करते हैं वही काम हम स्विच से कर रहे हैं, और कितने बेहतरीन तरीके से ये हो रहा है आप देख सकते हैं। यहां पे लिखा हमने गौरव, एक और नाम लिख दिया, और यहां पर इनका भी मार्क्स दे देते हैं, तो जो भी मार्क्स इनको देना है दे करके जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मार्क्स दे दिया, तो इनका 179 आया, तो इस हिसाब से ये क्या हुए, ये फेल हो गए, तो एफ ग्रेड आ गया, देख सकते हैं कि नहीं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, स्विच यूज कीजिए, बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।